हरियाणा के घोषणा मंत्री, मेरा मतलब मुख्यमंत्री, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ये स्वीकार किया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC और HSSC ये दोनों संस्थाएं पूरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं, बंद पड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को नौकरी देने में अक्षम है, विफल है, नौकरी नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये घोषणा मंत्री जी ने अभी कुछ देर पहले खुद अपने मुंह से स्वीकार किया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वो नौकरी नहीं दे पाए तभी उन्होंने ऐसी घोषणाएं करना शुरू कर दिया है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि घोषणाएं करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे उनके पार्टी के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री जुमला फेंक देते हैं और चुनाव के बाद कहते हैं अरे ये तो जुमला था, तो अब नायब जी ये चाहते हैं कि वो कुछ जुमले फेंकें और चुनाव के बाद कहते हैं अरे ये तो जुमला था। तो ये होने नहीं देंगे नायब जी, आप जब जब जुमला फेंकेंगे आपके जुमलों का सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। आज ये झूठ फैलाने का प्रयास हुआ कि 1,20,000 कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्का कर देगी, ऐसा एक झूठ बोला गया। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा झूठ बोला गया? क्योंकि अगर जो जो आज घोषणा हुई है अगर आप उसको सही तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए था नायब सिंह जी को कि HKRN को शुरू हुए कितने साल हुए हैं। 2021 में HKRN योजना शुरू हुई और अगर आज तक भी देखें तो अगर कोई कर्मचारी पहले दिन से भी इस योजना में भर्ती हुआ होगा तो उसको 3 साल ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए उनको हम सुनिश्चित कर देंगे। सुनिश्चित और पक्के के अंतर में तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5 साल जिसको हो गए HKRN में लगे हुए उसको मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित कर देंगे। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी, एक भी कर्मचारी पूरे हरियाणा में ऐसा है नहीं HKRN में जिसको 5 साल हो गए, और 2 साल बाद जब तक कोई भी कर्मचारी 5 साल पूरे करेगा तब तक आप सरकार से कोसों दूर होंगे, पता नहीं कहां पर जंगल में किस गुफा में आप वहां पर तपस्या कर रहे होंगे, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे होंगे। दूसरी बात जो इसके प्रावधानों में कहा गया, अगर कोई HKRN में या किसी और कच्ची नौकरी में लगा भी होगा, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 1 साल के बाद दूसरे साल में कंटिन्यू किया जाता है कच्ची नौकरी के अंदर? लगाए इसलिए जाते हैं 1-1 साल के ठेके पर कि हर साल 2 साल में उनको बदल दिया जाए ताकि वो किसी तरह का क्लेम लेके कोर्ट में ना जा सके, किसी तरह की पक्की नौकरी का दावा ना कर सके। इसलिए ये जो संख्या बताने का प्रयास हुआ 1,20,000, ये पूरी तरह से फर्जी है, झूठ है और हरियाणा के कर्मचारियों को, हरियाणा के लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है जो पूरी तरह से विफल साबित होगा। हरियाणा के लोग इनकी सारी चालों को अच्छे तरीके से समझते हैं।